धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। बड़ा अजीब सा जमाना आ गया साहब, अब बलात्कारियों के समर्थन में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी, वो भी भारतीय जनता पार्टी, जो बात करती है चाल चरित्र और चेहरे की, जो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में नारे लगा रही है, वो पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हो रही है, उसके नेताओं को यानी कि दो मंत्रियों को पद से हटा दिया जाता है, बावजूद उसके वो जाकर वहां बेशर्मी से फिर से यात्राएं निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि कठुआ मामले में कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, क्राइम ब्रांच ने जो अपनी चार्जशीट पेश की है उसी के हिसाब से पूरे मामले की कार्रवाई चलेगी। ट्रायल शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उससे डिमांड की है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो लगातार सामने आता जा रहा है कि किस तरीके से वो महिला विरोधी चेहरा है, वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, उनके अंदर इतनी नफरत, इतने जहर पता नहीं कहाँ से भरा हुआ है, क्यों उनके अंदर से सब उबल आता है, जब अंदर होता है तभी उबल आता होगा, बहुत सीधी सी बात भी है। जैसे मेरे विचार होंगे अक्सर कर मेरे विचार हैं, बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट्स देखता हूं तो वो कहते हैं आप हमेशा सरकार के खिलाफ ही दिखाते हो, आप हमेशा सरकार के पक्ष में क्यों नहीं दिखाते हो, कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं दिखाते हो। तो भाई हो सकता है मेरे अंदर ऐसे विचार हों इसलिए निकला, लेकिन सच ये है कि पत्रकार और मीडिया जो है वो विपक्ष की भूमिका होता है। सरकार की बात दिखाने के लिए तो बहुत सारे दूरदर्शन है ना, राज्यसभा है, लोकसभा टीवी चैनल है, दूरदर्शन है और आपका आकाशवाणी है, तमाम चीज़ें हैं। ये हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम भी क्या सरकार के भंपू बनने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के पास है तो विज्ञापन देके करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके सरकार अपनी बात रखती है। हम लोग तो उन चीज़ों को देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे, उनके बयानों की तुलना करेंगे और उस पर बात करेंगे, उस चीज़ को जनता के आवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता और आवाम को भी भंपू मीडिया द्वारा वही दूरदर्शन बन के दिखाया जा रहा है। बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनके बिगड़ते हुए बोल को लेकर, लगातार बिगड़ते हुए बोल को लेकर। और एक अजीब सा एक बयान आया है अब, जिसे सुनकर शायद आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, आपको लगेगा कि ये कैसे लोग हैं। एमएलए हैं एक तमिलनाडु के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, नाम उनका है एच राजा, आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने ताज़ा बयान दिया है जो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो कनीमो जी हैं, जो 2G मामले में आरोपी थी यूपीए सरकार के दौरान और अभी जो बरी हुई हैं, लेकिन उनका बरी होना नहीं है साहब, इनका बरी होना साहब महान क्रांतिकारी काम है, इनको फंसाया गया था, उनको नहीं फंसाया जा सकता है, इनके साथ गलत हो सकता है, ये पीड़ित हो सकते हैं, वो पीड़ित नहीं हो सकते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। तो वो कनीमो जी को कहा गया है, एच राजा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय सचिव, एमएलए तमिलनाडु के, उन्होंने कहा है कि कनीमो जी, सुनिएगा ध्यान से, डीएमके जो पार्टी है उसके जो प्रमुख है करुणानिधि, यानी कि जो पूर्व सीएम भी रहे हैं करुणानिधि और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो कनीमो जी उनकी नाजायज औलाद है। सुनिएगा ध्यान से, बताते हुए मुझे भी खुद महसूस हो रहा है कि मैं क्या आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं। ये कौन है एच राजा, आप जानते होंगे, पेरियार जो दलित चिंतक हैं, महान दलित चिंतक, उनकी प्रतिमा को जब तोड़ा गया और उसके बाद इन्होंने जो टिप्पणी की वो सबके सामने है, आपसे छुपी नहीं है, इन्होंने किस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की थी। तो कैसी मानसिकता ये महिलाओं के बारे में रख रहे हैं कि एक महिला को कह रहे हैं कि ये कनीमो जी, जिसका नाम है उस महिला का, वो महिला करुणानिधि की नाजायज औलाद है। अब इससे आगे चलते हैं साहब, करामात तो कम नहीं है, तमिलनाडु से निकल के कर्नाटक चलते हैं जहाँ पे चुनाव है और पूरा का पूरा वहाँ परसेप्शन सिर्फ वही बनाया जा रहा है जो गुजरात चुनाव में हमें देखने को मिला। 10% जिस स्टेट में मुसलमान थे गुजरात में, उन 10% मुसलमानों का ऐसा हवा दिखाया गया कि एक वीडियो वायरल किया गया कि अजान की आवाज़ हो रही है, एक हिंदू लड़की अपने घर वापस लौट रही है, जैसे ही उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ने लग जाती है वो डरी डरी सहमी सहमी चलती है। दिखाना क्या चाहते हैं कि अजान की आवाज़ हो रही है, मुस्लिम इलाका है वहाँ से गुजर रही है, ऐसे दहशतजदा है हिंदू बच्चे, अगर इनसे बचना है तो बीजेपी को वोट दे दो,
क्या है ये सब, क्यों इतनी नफरत है? 10% ही तो है मुस्लिम वहां। इसी तरीके से कर्नाटक में 15% मुस्लिम है। उन 15% मुस्लिम का एक हवा बना के दिखाया जा रहा है, एक नफरत बना के दिखाई जा रही है तमाम चीज को। 85% जो है वो हिंदू, उसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? विकास तो कुछ हुआ नहीं, 4 साल में विकास तो कहीं पैदा कर नहीं पाए। आपको कहीं विकास पैदा होते हुए दिखाई दिया हो तो बताइएगा। वहां से क्या खबर आ रही है, वहां पे एक जो विधायक है इनके बेलगावी से, नाम है उनका संजय पाटिल, इस बार भी चुनाव मैदान में, वो साहब कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद चाहिए तो कांग्रेस को वोट दो और अगर राम मंदिर चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। 85% जिस स्टेट में हिंदू हैं वहां आपको ये बात कहने की क्या जरूरत है? 15% जहां पे मुसलमान हैं वो कितना असर डाल पाएंगे? किस तरीके की बातें कर रहे हैं? तो आप इनके एक के बाद एक बयान सुनते रहिए, कहीं कोई बातें आपको विकास की नहीं मिलेंगी। भ्रष्टाचारियों को टिकट दे चुके हैं कर्नाटक में, बलात्कार के आरोपियों को टिकट दे चुके हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल से छूटे हैं उनको टिकट दे चुके हैं, जो विधानसभा के अंदर बैठकर पोर्नोग्राफी देख रहे थे उनको टिकट दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता पानी है, सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्हीं के सारे बोल पे बात कर रहे हैं, ताज़ा नए नए बोल मिलेंगे आपको सब। इंटरनेट जो 1969 में पूरी दुनिया में पैदा हुआ, 1972 के अंदर पहला कोई ईमेल आईडी बनाया गया, ईमेल अकाउंट बनाया गया, उस इंटरनेट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित सीएम जो त्रिपुरा के हैं साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है। उनका कहना है इंटरनेट तो महाभारत के जमाने से भारत में था, इंटरनेट महाभारत के जमाने से भारत में था, यह त्रिपुरा के सीएम का कहना है। आप देखिए सीएम की क्या सोच है, यह हाल फिलहाल में अभी सीएम बने हैं, बिप्लब देव इनका नाम है, इनका बयान आप सुन लीजिए। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी। तो ये काम आप लोगों ने आविष्कार पहले नहीं किया, इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। तो ये सीएम है त्रिपुरा के, भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, बिप्लब देव इनका नाम है, और इनका साफ कहना है कि महाभारत के टाइम से हिंदुस्तान में, सॉरी कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान, वर्ड यूज मत कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान भी नाम है, इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है। तो भारत में महाभारत के टाइम से इंटरनेट था। आपने इनके बोल देखे हैं, विकास कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन बातें पता नहीं कहाँ से कर पाएंगे, कैसी कैसी बातें कर पाएंगे, किसी को नाजायज औलाद बता देंगे और किसी को कहेंगे कि राम मंदिर चाहिए तो कांग्रेस का टिकट, बीजेपी को टिकट दो, और मस्जिद चाहिए, बाबरी मस्जिद चाहिए तो कांग्रेस को टिकट दो, और कोई कहेगा कि महाभारत के टाइम से इंटरनेट है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखना जरूरी था क्योंकि आप चौकन्ने रहिए, 4 साल पूरे हो चुके हैं, 2019 में जाने के लिए बचा कुछ है नहीं, लेकिन लफाजी बातें बहुत सारी हैं। लंदन में जाके भी खूब बयानबाजियाँ की जा रही हैं, हालांकि मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा है जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके खिलाफ, वो उसको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना दूरदर्शन बहुत सारे आजकल हो गए हैं, लेकिन हमें दूरदर्शन नहीं बनना है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।